असम ने बूथ विधानसभा चुनावों में जो चुनाव आयोग की मंशा थी और जो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे उसकी मंशा बेसिकली बहुत स्पष्ट थी कि बाहुबल के दुरुपयोग पर चुनावों में पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है और अब धन बल के दुरुपयोग से मतदाताओं को प्रभावित करने, मतदान की प्रक्रिया को, चुनावों की प्रक्रिया को बाधित करने की जो कवायद है उसको जड़ से सिरे से निर्मूल करना है। और इस ध्येय पर, इस उद्देश्य पर काम करते हुए राजस्थान पुलिस ने पिछले चुनाव, इस चुनाव में काफ़ी रिकॉर्ड सफलता स्थापित करते हुए, हासिल करते हुए मील का पत्थर हासिल किया है, मील का पत्थर स्थापित किया है। पिछली बार की तुलना में करीब 7 गुना ज़्यादा कार्रवाइयाँ करते हुए करीब करीब 450 करोड़ रुपये की वैल्यू की चीज़ें जब्त की गई, अवैध चीज़ें जब्त की गई हैं। पिछली बार जो ये वैल्यू करीब 65 करोड़ था वो इस बार करीब करीब 450 करोड़ पहुँच गया है और हर मद में इसमें वृद्धि हुई है। शराब की जब्ती देखी जाए तो वो करीब करीब 4 गुना है पिछली बार की तुलना में, मादक द्रव्यों की जब्ती करीब करीब 5 गुना है और कुल जब्ती 7 गुना से भी ज़्यादा है। जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस पेशेवर दृष्टिकोण के साथ, जिस जोश जुनून के साथ सारे फील्ड कमांडर्स ने काम किया, पूरी राजस्थान पुलिस ने एकजुट होकर काम किया, इस उद्देश्य को अपने कंधे पर लेकर इस ध्रुव कार्य को अंजाम दिया और अपने लिए, आने वाले दिनों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक इतिहास रचा, एक कीर्तिमान रचा, एक मील का पत्थर स्थापित किया है। बहुत सारे अभियान चलाए गए इसके लिए, बहुत सारे मोटिवेशनल रिकॉग्निशंस दिए गए, जैसे ऑपरेशन T2TT चलाया गया, नक्काशी चलाया गया, मोनाको चलाया गया, जैकपॉट चलाया गया, ब्लड मून चलाया गया, जिसके माध्यम से छोटे छोटे उद्देश्य स्थापित करके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हासिल करके राजस्थान पुलिस ने चुनावों में धनबल के दुरुपयोग को पूरी तरीके से रोक सकने में अपेक्षित सफलता हासिल की है। आप देखेंगे किस तरीके से स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान हुआ, कहीं पर भी रिपोल की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं से इस तरह की शिकायतें नहीं आईं, तो इसके लिए राजस्थान पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे उच्च अधिकारियों का, उनके आशीर्वाद मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार।